मेथड की अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने हूँ। आज हम लोग फिर से यूनिक बात सीखेंगे, क्वेश्चंस को कैसे हम जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं लाइन मेथड से, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है जो लास्ट क्लास मैंने आपको लाइन मेथड के ऊपर दी थी वो आप सबको पसंद आई होगी और आप सबने उसको सीखा भी होगा उससे, और आज की क्लास से भी बहुत कुछ सीखेंगे। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लिखिए, इन अ क्लास नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। इन अ क्लास नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। Average expenditure made by boys is 10% more than that of average expenditure average expenditure made by boys is 10% more than that of average expenditure. Average expenditure of the class is 30%. Find average expenditure of girls. किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से बीस प्रतिशत अधिक है। लड़कों ने औसतन कक्षा के औसत खर्च से 10% अधिक खर्च किया। कक्षा का औसत खर्च 30% है, तो लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात करें। फाइंड एवरेज एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाय गर्ल्स। आइए वीडियो को पॉज करेंगे, आप पॉज करके चेक करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर से देखेंगे कि क्या आप इस मेथड को सीख रहे हैं या नहीं। जब आपका मेथड मेरे मेथड से मैच करने लगे, एकदम हूबहू डिट्टो उसी तरह से आपका आंसर आने लगे, तो आप समझ लीजिएगा आपका मेथड मैच कर रहा है। और अगर मैच करने लगे तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि हाँ सर, अब इस क्वेश्चन नंबर से मेरा मैच कर रहा है। कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। मान लो 5 लड़के हों, है ना, क्यों 5 ही लिया? आप जानते हैं 20% 1/5 होता है। अगर 5 गर्ल बॉयज होगा तो लड़की एक ज्यादा होगी, 6 होना आसान होगा, तो 5 तो बॉयज लिया हमने और 6 गर्ल्स ले लिया। 5 लड़के लिए और 6 लड़कियां ले ली, है ना, 5 लड़के 6 लड़कियां, क्लियर, ओके। अब 5 लड़के 6 लड़कियां, डन। अब कहता है कि लड़कों ने ऑन एन एवरेज 10% ज्यादा किया, किससे, एवरेज से, जो जनरल एवरेज एक्सपेंडिचर है, और एवरेज एक्सपेंडिचर दे रखा 30%, तो 30% से 10% अगर कोई ज्यादा करेगा तो 40 होगा, नहीं होगा। अगर ये काम आप कर रहे हैं 30 से 10% ज्यादा 40, तो इसका मतलब आप मेरे स्टूडेंट तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मेरे स्टूडेंट अगर रहेंगे तो इस तरह की सिली बातें नहीं करेंगे। 30 का 10% निकालना पड़ेगा आपको। 30 का 10% कितना होता है, 3 होता है, तो 30 का 10% 3, मतलब कि 3% ज्यादा, मतलब 33% ज्यादा। इसमें हो गया 33%, इसमें भी 33%, इसमें भी 33%, इसमें भी 33%, तो कुल मिला के 3/5 15% इसमें ज्यादा है, है ना, 3 3 3 3 15, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें आपको 15% लेस करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा। 15% लेस करने के लिए कितने लड़कियां हैं, सॉरी कितनी लड़कियां हैं, तो हम देखें तो लड़कियां 6 हैं, मतलब 6 मिलके अगर करेंगे तो कितना परसेंट कर पाएंगे, 2.5% कर पाएंगे, तो ये 30 से 2.5% कम है। तो कहा लड़कियों का एवरेज एक्सपेंडिचर ज्ञात करें, आंसर होगा 75 27.5%।
बच्चों ने कहा आपका उत्तर होगा 27.5%। उम्मीद है आपका आंसर बिल्कुल ऐसा ही होगा और आप सब मेरी उम्मीद पर खरे उतर रहे होंगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन सीख रहे होंगे। और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे इस सेशन को, डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात भी समझ में आ रही होगी और आपका काम भी, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं बेकार की बस बात कर रहा हूँ, कंटेंट वाली बात, वो जो कहते हैं ना जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको हेल्प मिलेगा, वैसी बात है। तो आप इसको डेफिनेटली हर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे, तो सीखते रहिए। अगला सवाल आपके लिए पूरे 5000 रुपये का, ठीक है? जल्दी से देखना मुझे कौन सबसे पहले आंसर देता है। तैयार है? चलिए लिखिए। इन अ फ्रेंड सर्कल नंबर ऑफ बॉयज इज 25% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। इन अ फ्रेंड सर्कल नंबर ऑफ बॉयज इज 25% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। Average expenditure made by girls is 15% more than that of overall average expenditure. 15% more than that of overall average expenditure. Average expenditure made by girls is 15% more than that of overall average expenditure. Average expenditure made by boys is 24%. Find average expenditure of girls. किसी कक्षा में या किसी दोस्तों के समूह में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 25% कम है। किसी दोस्त के समूह में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 25% कम है। लड़कियों ने औसतन कुल औसत खर्च से 15% अधिक खर्च किया। लड़कियों का औसत खर्च प्रतिशत कुल औसत खर्च प्रतिशत से 15% अधिक है, जबकि लड़कों का औसत खर्च 24% है। तो लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात करें। जल्दी से आंसर दीजिए और अगर आपका प्रोसेस और आपका आंसर मेरे से मैच किया तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, आपका डेफिनेटली जो है ना मैथ का स्टैंडर्ड उठता हुआ नजर आएगा। और आराम से टाइम लीजिए, कोई बहुत जल्दबाजी करके नहीं आंसर देना है, लेकिन सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही। उम्मीद है सही आंसर दे रहे हैं, फिर भी मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। कहा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 25% कम है। अगर लड़कियां होंगी 4 तो लड़के होंगे 3, कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि 25% आप जानते हैं 25% किसका होता है, 25% 4 का 1 होता है, तो ये 4 तो ये 1 कम हो गया, कितना होगा 3 होगा। ये अगर 4 है तो ये 3 होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे है, कहता है कहता है कि इसका जो परसेंटेज है, जो लड़कियों का एक्सपेंडिचर से, सॉरी, जो लड़कियों का एक्सपेंडिचर है वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर से चाहे जो भी हो उससे 15% ज्यादा है ना।
जो लड़कियों का एक्सपेंडिचर है वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर से 15% ज्यादा है। फिर कहता है लड़कों का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 24% है। लड़कों का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है? 24%। कहता है लड़कियों का एवरेज एक्सपेंडिचर बताओ। अच्छा देखो 15% ज्यादा है कितने नंबर पे? 4 पे, तो टोटल 60% ज्यादा होगा। ये बताओ अगर 15% चार लाइन पे ज्यादा है तो टोटल 60% ज्यादा होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, ठीक है होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube को छोड़कर, चैनल मैथमेटिक्स चैनल को छोड़कर, मतलब Facebook पर या फिर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो इस तरह की कंप्लीट वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए। डेली रात में 10 o'clock ये वीडियो आपके सामने आता है और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अगर आप देख रहे हैं, दूसरे सेक्शन जैसे आप पेज मैथमेटिक्स के पेज पर या Facebook पर देख रहे हैं, तो मोस्टली वहाँ पर रेगुलर वीडियो नहीं मिलेगा। रेगुलर जो वीडियो आपको मिलेगा वो यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। तो आप मैथ मिरर को ढूंढ करके ऐसे ऐसे जो एकदम खतरनाक टाइप कॉन्सेप्ट हैं सीखने के लिए, उस पर अपना बेल आइकन भी दबा लेंगे। उससे क्या होगा, आपको जब भी लाइव ये क्लास चलेगी, वैसे तो टाइम फिक्स है 10 o'clock, फिर भी अगर इधर उधर थोड़ा टाइम होता है या किसी तरह की कोई बात होती है तो आपको इन्फॉर्मेशन बराबर मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये देखो 15% ज्यादा है कितने बिंदु पर? ज्यादा है 4 पर। तो ये कितना ज्यादा है? 60%। अब ये 60% किसी ना किसी तरह से कम होगा। 60% कितने में कम हुआ? 3 में। एक कितना कम होगा? 20%। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे समझाने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब इतना एक ही बार में नहीं समझ जाओगे। 15% ये 4 लाइन पर ज्यादा है, तो 60% ज्यादा है, तो ये भी 60% कम होगा। ये 60% कम कितने लाइन पर होगा? ये 3 लाइन पर होगा 60% कम। अगर ये 3 लाइन पर 60% कम है, तो एक लाइन पर कितना कम होगा? 20% कम होगा। मतलब कि यहाँ जो एवरेज है उससे ये 20% कम होकर 24% बना। सोचो यहाँ अपने आप में जो नंबर होगा वो 100% होगा। 100% से 20% कम होकर 80% यहाँ आएगा, है ना? कोई भी चीज कुछ भी हो वो अपने आप में कितना है? 100% है। 100% से 20% कम हुआ कितना आएगा? 80%। 80% कितना है? 24 है। अगर मान लो 80% आपका 24 है तो 100% कितना होगा? ये तो ऐसे भी बता सकता था मैं, फिर भी कैलकुलेशन करा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये बात कहीं ना कहीं आप स्कीप करोगे, आप ना इसको समझ नहीं पाओगे अच्छे से। ठीक है, 30, इसका मतलब ये ओवरऑल जो एवरेज है ना, जो एवरेज एक्सपेंडिचर वो कितना है? 30% ओवरऑल। 30% आप सोचो, 30% है, 30 से 20% कम यहाँ आया 24। होता है ये, 30 का 20% घटाओगे 6 घटेगा 24 आएगा। अब बात आती है, हाँ जी, तो देखो ये 30% एवरेज ओवरऑल आ गया हमें, 30% ओवरऑल एवरेज आ गया हमारे पास। अब देखो जैसे कि 30% से आप देख रहे हो 15% यहाँ ज्यादा होना चाहिए, और 30 का 15% कितना होगा? 4.5। तो यहाँ पर एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आएगा इसका? 34.5% आएगा। 34.5% क्वेश्चन पूछा था, गर्ल्स का एवरेज एक्सपेंडिचर बताओ, आंसर होगा 34.5%। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी में, ठीक है, जल्दी में मैं कर देता हूँ। वीडियो को तो चलो देख ही लोगे दोबारा। क्वेश्चन ने कहा कि बॉयज का संख्या गर्ल्स से 25% कम है, हमने तुरंत लिया गर्ल्स का 4 और इसको लिया 1 का मतलब 3। फिर क्वेश्चन ने कहा इसका 15% ज्यादा है एवरेज से, मतलब टोटल कितना ज्यादा होगा? 60% ज्यादा होगा, तो इधर भी 60% कम होगा, तुरंत निकाल लिया ये। और क्वेश्चन ने कहा इसका जहाँ बॉयज का 24% है, ये 24% दे दिया। अब हमें देखना है ये 24% 60% कम है लेकिन 3 में, तो 1 में कितना कम है? 20%। 20% किस से? ओवरऑल एवरेज से। तो ओवरऑल एवरेज यहाँ से तुरंत निकाल लिया 30%। कैसे? ये 20% कम है तो ये 80% है, तो यहाँ 100 होना चाहिए, तो 100% 30 आएगा, तो ये निकल गया। लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे ही सजा कर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, और कोई इशू नहीं है। 30% से अब देखा ये 15% ज़्यादा है, तो 30 का 15% 4.5 होता है, तो लड़कियों का खर्च कितना? 34.5%। क्या आंसर होगा? 34.5%। अगर ये क्वेश्चन आपका सोल्यूशन मेरे से मैच कर गया है तो आप ये समझो कि आप थोड़ा थोड़ा सीखने लगे हो, फिर बहुत सारे सीखना बाकी है। ज्यादा खुश मत हो जाना, ऐसा नहीं कि हाँ जी मुझे तो लाइन मेथड आ गया, लाइन मेथड बहुत कुछ है, ठीक है, और अभी बहुत कुछ सीखना आपको बाकी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, ताकि आपको और अच्छे से वो बात समझ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया वो बहुत ही मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। भले आपने सॉल्व उसको बच्चों की तरह कर ले, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो, आप चाहे तो किसी को वो क्वेश्चन पकड़ा करके आप समझ जाएंगे सॉल्व करने के लिए, अगर आप किसी को दे देंगे तो आप समझ जाएंगे उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह का, ठीक है। इन अ फैमिली नंबर ऑफ फीमेल इज 33/1/3% मोर देन दैट ऑफ मेल। इन अ फैमिली नंबर ऑफ फीमेल इज 33/1/3% मोर देन दैट ऑफ फीमेल। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय मेल और परसेंटेज ऑफ सेविंग, इस बार चेंज कर लेते हैं, बार बार एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं, सेविंग लिखते हैं। परसेंटेज ऑफ सेविंग मेड बाय फीमेल और सॉरी मेल इज 20% लेस देन ओवरऑल फैमिली सेविंग्स। परसेंटेज सेविंग्स मेड मेल 20% लेस देन ओवरऑल फैमिली सेविंग्स। परसेंटेज ऑफ सेविंग्स मेड बाय फीमेल इज 57.5%। परसेंटेज ऑफ सेविंग्स मेड बाय फीमेल इज 57.5%। फाइंड परसेंटेज ऑफ सेविंग्स मेड बाय मेल। किसी परिवार में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से 33.1% अधिक है। किसी परिवार में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से 33.1% अधिक है। पुरुष का औसत खर्च, औसत बचत परिवार के औसत बचत से 20% कम है। पुरुष का औसत बचत परिवार के औसत बचत से 20% कम है, जबकि महिलाओं का औसत बचत 57.5% है। जबकि महिलाओं का औसत बचत 57.5% है, तो पुरुष का औसत बचत ज्ञात करें। पुरुष का औसत बचत ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, पहले आपको वीडियो को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर आपको मैच करना है और मैच करके आपको देखना है कि परफेक्ट आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए कीजिए जल्दी। चलिए मैं सॉल्व करके बता भी देता हूं। जो महिलाओं की संख्या है वो पुरुष की संख्या से 33/1/3% ज्यादा है, तो अगर इसमें 3 लेंगे तो इसमें 4 लेना पड़ेगा। ये कह रहा है 20% ज्यादा है, 20% तो ईच का ना, टोटल कितना हो जाएगा 60% ज्यादा है। 60% 3 लाइन में ज्यादा है तो डेफिनेटली ये 15% कम होगा 4 लाइन में, मतलब प्रत्येक लाइन में 60% कम होना होगा। सॉरी ये कम था, अब ये ज्यादा होगा। 60% ज्यादा होगा तो ईच लाइन 15% ज्यादा होगा, और कहता है इसका ना 57.5% है दिया हुआ है। फीमेल का 57% यही दिया हुआ है। फीमेल का नंबर मेल के नंबर से 33/1/3% ज्यादा है, डेफिनेटली लिख लिया हमने। फिर कहता है जो मेल का नंबर परसेंटेज है वो ओवरऑल एवरेज एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा है ओवरऑल से, तो 20% ईच में ज्यादा है तो 60% ज्यादा है लिख लिया। और फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ 57.5%। आप देखते हैं यहाँ 60 ज्यादा है तो यहाँ 60 कम है तो यहाँ 60 ज्यादा होगा। अब ये 60 चार लाइन में ज्यादा होगा तो प्रत्येक लाइन में 15% ज्यादा होगा, कितना 15% ज्यादा होगा। अब हमें देखना यहाँ क्या आएगा। अगर यहाँ 100% है तो यहाँ 115 होगा, तो 115% दिया हुआ है 57.5, तो 100% इज इक्वल टू व्हाट, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 50, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो सेविंग है फैमिली का वो कितना है 50% है। मुझे आवश्यकता नहीं है कि पूरा लिखूं 50 50 50, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर 20% कम है, 50 का 10% होता है 5, 20% होता है 10, 10 कम है, मतलब कि लड़कों का जो एवरेज सेविंग परसेंटेज है वो 40 है। डन, अच्छे से समझ पाए इस बात को, ठीक है। अगर आप तैयार हैं तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल में लेके चले, बिल्कुल तैयार हैं।
चले इस कॉन्सेप्ट का यूज देखते हैं। ये तो अभी एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसके अलग अलग जगह पर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, किस तरह से इसको हम यूज कर पाएंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ना परसेंटेज में आप एक इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन देखते होंगे। इनकम दिया हुआ रहता है, एक्सपेंडिचर दिया रहता है, सेविंग दिया रहता है। वो क्वेश्चन में कैसे हम लाइन मेथड का यूज करके आंसर कर लेते हैं वो देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, अगला सवाल लिखिए। अ पर्सन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12%, वेयर एज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 15%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च कर लेता है, उसकी आय 12% बढ़ जाती है जबकि खर्च 15% बढ़ता है, तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ज्ञात करें। तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ज्ञात करें। अब मुझे अच्छे से विश्वास है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपने पहले देखा होगा और देखो इसको सॉल्व भी किया होगा। बहुत तरीके से लोग बताते हैं, लाइन मेथड इसको कितना आसान कर देता है, ये समझने वाली बात है। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। देखो इनकम का दो पार्ट हुआ, एक हुआ एक्सपेंडिचर, एक हुआ सेविंग। हमने चार लाइन खर्च कर देता है, एक लाइन बचा लेता है। आप जानते हैं 80% खर्च कर देता है तो 20% बचा लेता है, मतलब 4:1 का रिलेशन हुआ। अगर ये बात नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे लिखिए, 80% खर्च किया तो सेविंग कितना किया 20, रेशियो लीजिए 4:1। तो हमने कहा 4 लाइन ये खर्च कर दिया, 1 बचा लिया, इनकम हो गया यहाँ से, यहाँ एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गया। कहता है एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 12%, ये 12% बढ़ रहा है, बढ़ा दिया। कहता है जबकि सब के सब जो है ना 15% बढ़ रहे हैं, कौन सॉरी का इनकम इंक्रीजेज बाय 12%, हमने इनकम को 12% बढ़ा दिया। का एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 15%, 15% बढ़ा दिया। कहता है फाइन परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो देखो 3% 3% 3% 3% यहां से यहां 12% ज्यादा है। अगर ये 12% ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये 12% कम होगा, तो देयर इज नो चेंज। देयर इज 12 से 12% कम होगा तो क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन सेविंग। सॉरी चेंज तो हुआ ही ना पहले, अब इसने कहा 15%, तो 3 3 3 12% ये ज्यादा है और ओवरऑल 12 है, तो यहां पर 0% होगा। इसका मतलब कोई चेंज सेविंग नहीं है, ना तो सेविंग बढ़ा ना सेविंग घटा, जितना था उतना ही रह गया, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर है? इसमें बाई चांस 0 आ गया, मैं आपके लिए अगला सवाल लाऊंगा और उसमें जो है ना आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। हो सकता है इसमें समझने में थोड़ी आपको परेशानी हो। यूजुअली आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे तो वो या तो एक्स मान के करते होंगे या तो 100 मान के करते होंगे। सामान्यतः लोग ऐसे करते हैं, 100 हो गया 80 खर्च, 20 बचा, 100 में से 12% बढ़ गया तो 112 और ये 15% बढ़ गया तो 92 खर्च कर दिया 112 में तो कितना बचा 20, तो कोई परिवर्तन नहीं है, नो परिवर्तन, 0%। या फिर कुछ लोग एलिगेशन से करते हैं इस क्वेश्चन को, 12% का ये इनकम बढ़ा, ये बढ़ा 15% और रेशियो दिया 4:1, ठीक है, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 12, तो यहाँ 0। ये सब मेथड बेकार है, और भी तरीके से करते हैं, कुछ लोग लिख देते हैं 4:1, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या, जाने दीजिए। लाइन मेथड देखिए सुपर मेथड है, थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे, तो बिल्कुल टाइम से जो है ना पेन पेपर नोटबुक लेकर के बिल्कुल तैयार होकर समय से बैठिए। और जो सीक्वेंस में चला रहा हूँ, जो सीरीज सिखा रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, सिर्फ लाइन मेथड तक ही ये बात नहीं है। और लाइन मेथड तो अभी सीखने में बहुत कुछ टाइम लगेगा, इसके अलावा मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसमें यूट्यूब पर जो क्लास चलती है आप जानते हैं इसका, जो है ना एकदम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर आने वाला है। बस तसल्ली से जब भी सीखिए, जब भी पढ़ने बैठिए तो ये नहीं कि बस देखने बैठ गए, हाँ जी अमित सर आने वाले हैं, चलो जी देख लेते हैं क्या बताने वाले हैं, सुनने बैठ गए, कुछ लोग कान में लीड लगा लेते हैं, बाइक पे घूम रहे हैं, वैसे नहीं। प्रॉपर रजिस्टर लेके, प्रॉपर पेन लेकर के, प्रॉपर क्वेश्चन दूं तो पॉज करके वीडियो को सॉल्व करके, मतलब एक कहते हैं ना उस सिक्वेंस से सीखना है, ऐसे नहीं कि बस सीख लेना है, प्रॉपर सीखना है, ठीक है, और तभी सीख पाएंगे, तभी मैथ में जो एक बड़ा बदलाव आएगा, जो एक बड़ा मार्क्स आएगा वो ऐसे ही संभव होगा जब आप एकदम साथ साथ। और ये टालिए भी मत कि चलो आज की वीडियो कल देख लूंगा, कल की परसों देख लूंगा, शुरू शुरू में तो जोश रहता है, बाद में ठंडा हो जाता है, ऐसा नहीं।
जोश बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर जो एफर्ट है ना वो बहुत जरूरी है। रेगुलर एफर्ट से ही रिजल्ट लिया जा सकता है। अगर आपका सिलेक्शन होना है तो आपके थोड़े थोड़े और रेगुलर प्रयास से सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन 3 दिन खूब पढ़ने से और 2 दिन नहीं पढ़ने से कभी नहीं होता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अभी और करते हैं। ऐसा लिखिए, अ पर्सन स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% रुपया खर्च कर देता है। हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 9% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 16%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% रुपया खर्च कर देता है, यदि उसकी आय 9% बढ़ जाए जबकि खर्च 16% बढ़े, तो बचत में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करें। चलिए देखते, कहा 65% खर्च कर देता है, 65% 35% बचाएगा, रेशो कितना आएगा 13 और 7 का। अब 13 लाइन और 7 लाइन लेना मुश्किल है, तो मैं थोड़ा डिजाइन बना देता हूं। 13 लाइन ये हो गया, 7 लाइन ये हो गया। ठीक है, 13 लाइन कौन खींचेगा? मैंने कल की क्लास में बताया भी कि जरूरी नहीं है कि हम 13 लाइन खींचे। ये कहता है जो इनकम है ना वो 9% बढ़ा, तो सब 9% बढ़ा। कहता है एक्सपेंडिचर जो बढ़ा वो बढ़ा 15%। तो गौर से देखो, 9% तो सबको बढ़ना चाहिए, ये 15 बढ़ रहा, मतलब 6 ज्यादा बढ़ रहा है, कितने पे? 13 पे। तो 78% 78% कितना कहीं ज्यादा है, 15% 9 से 6 और 6 कितने में, 13 में, तो 78% ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं 7 ये कम होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा डेफिनेटली। किस से? 9 से। पहले देखना पड़ेगा 78% होता है कितना है, ये होता है 11 होल 1/7% कम। किस से? 9 से। सोचो 9 से 11 होल 1/7% कम है, तो ये तो ऐसे ही चला गया, तो ये हो जाएगा 2 होल 6/7% हो जाएगा। 9 मतलब 11 में ही 9 घटा दो ना, 11 होल 1/7 में 9 घटा दो, तो 2 होल 1/7% सॉरी 1 आएगा। ठीक है, तो आंसर होगा, कहता है सेविंग का चेंज बताओ, आंसर होगा 2 होल 1/7% का रिडक्शन होगा, 2 सही 1/7% की कमी होगी। ठीक है, 2 सही 1/7% की कमी होगी, घटेगा। क्लियर? अभी यहां पर एक बात और आपको नहीं सीखने को मिले कि अगर लाइन ज्यादा हो ना तो लाइन वाइन बनाने का कोई काम नहीं होता, लाइन बिना बनाए भी काम हो जाता है। लेकिन हाँ, चूंकि सीखना है हमें कॉन्सेप्ट को, तो सीखना पड़ेगा अच्छे से, इसीलिए इसका नाम लाइन मेथड रखा मैंने। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। इस तरह का भी और प्रश्न लिखिए। अगला सवाल बिल्कुल एकदम खतरनाक टाइप का डाटा ले रहा हूं मैं। अ पर्सन सेव्स 20 होल 8 4/7% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। अ पर्सन सेव्स 20 होल 4/7% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 13% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 19%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। एक व्यक्ति अपने खर्च का 28 सही 4/7% बचा पाता है। यदि उसकी आय 13% बढ़ जाए जबकि खर्च 19% बढ़े, तो बचत में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करें। चलिए इस बात को देखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 28 सही 2/4% बचाता है, यही ना, 4/7% बचाता है, खर्च का बचाता है, आय का नहीं खर्च का बचाता है। इसको आप जानते हैं, इसको 2/7 कहते हैं, याद है या नहीं? याद है, नहीं याद है तो सॉल्व करके देख लो। 200/7 × 14 6 56 4/7 होगा, तो इसको क्या कहते हैं, 2/7। मतलब अगर वो 7 रुपीज खर्च करता है, अगर वो 7 रुपया खर्च करता है तो वो 2 रुपया क्या करता है, बचत करता है। 7 रुपया अगर खर्च करता है तो 2 रुपया बचत करता है। क्लियर? ठीक है, अब कहता है, अब क्वेश्चन कहता है
कि अगर इनकम बढ़ता है 9% और एक्सपेंडिचर बढ़ता है 16%, तो सोचो 9 से 16, अगर ये 9 बढ़ रहा है ये 16 बढ़ रहा है तो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अगर परसेंटेज पॉइंट के पॉइंट से देखें तो 7 ज्यादा बढ़ रहा है पॉइंट में, मतलब नेट चेंज में 7 कितने में, 1 2 3 4 5 6 7 में, तो टोटल 49% बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं 49% इसमें कम होना पड़ेगा। 49 कम करने के लिए कितने लाइन है, 2 लाइन है, तो ये 24.5% कम होगा। किससे, 9 से। अगर 9 से 9% तो बढ़ना था, 24.5% कम होना है, तो बताओ मुझे क्या ये 15.5% कम होगा कि नहीं होगा, 15.5% कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब सेविंग रिड्यूस्ड बाय 15, कितना आया था, 15.5% रिड्यूस बाय, मतलब माइनस लगा दो, घट गया। तो सेविंग कितने से घट जाएगा, 15.5% से कम हो जाएगा। डेफिनेटली यहां तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है, आपको कहीं पर भी बात नहीं समझ में आती है या कुछ परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बता सकते हैं कि नहीं सर ये वाली बात ना क्लियर नहीं हुई, इस पॉइंट पर मुझे दिक्कत हुई, मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उस पॉइंट पर कंसीडर करूंगा कि और आपको किसी न किसी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको कुछ भी या किसी पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन में भी, इस तरह के क्वेश्चन में भी दिक्कत आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो को पसंद आए, तो चूंकि मैं चाहता हूं कि अब आपको सीक्वेंस में सारी वीडियो एक एक करके मिलती रहे, मतलब 2019 मैथ के नाम, 2019 में अगर सीखना है तो मैथ सीखना है, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो रेगुलर टाइम से वीडियो को वॉच भी करें,